हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूं बहुत ही छोटी छोटी सी कॉमन सी टिप्स, जो कि अगर आपका छोटा बाथरूम है, आपके बाथरूम में बहुत कम स्पेस है, तो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और उसके साथ मैं कुछ बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स के लिंक और उनके प्राइस डिटेल भी शेयर करूंगी। किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहला रूल तो यही है कि जो चीज अनवांटेड है, जो चीज़ आपने बिना यूज़ के रखी हुई है, उनको सबसे पहले निकाल के बाहर कीजिए। खास करके अगर आपके पास छोटा स्पेस है और छोटा बाथरूम है, तो जो अनवांटेड चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते हैं उनको निकाल दीजिए। दूसरा, अगर आपके बाथरूम बहुत छोटा है, अगर आपका बाथरूम, तो उसका फ्लोर स्पेस आप कोशिश करें कि फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई ना करें, क्योंकि फ्लोर पे अगर आप ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स रखेंगे, सामान रखेंगे, तो आपका बाथरूम और क्लटर और ज़्यादा छोटा लगेगा। तो इसलिए फ्लोर स्पेस को खाली रखें और कोशिश करें कि जितना आप वॉल को यूज़ कर सके, वॉल स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करें। और वॉल पे भी आपको कुछ आलतू फालतू चीज़ें नहीं रखनी है, वही चीज़ें कोशिश करिए रखने की जो सही में आपको ज़रूरत लगती है। आजकल मार्केट में इस टाइप के काफ़ी सारे जो वॉल पे हैंग करने के ऑर्गेनाइजर्स आ रहे हैं, तो इनमें से आप अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। तो ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ये आपके जो बाथरूम का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई नहीं करते, नीचे जो फ्लोर स्पेस को, और वॉल स्पेस को अच्छी तरह यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल ऑर्गेनाइजर्स हैं। और अगर आपके बाथरूम में जैसे कैबिनेट है, छोटा है फिर भी कैबिनेट वगैरह है, तो आप कोशिश करें जो कैबिनेट के डोर वगैरह है उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो उसके लिए आप इस टाइप का जो डोर पे हैंग करने वाला कैडी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे हेयर ड्रायर और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं वो रख सकते हैं, क्लीनिंग सप्लाइज़। और उसके बाद जो अंदर जो कैबिनेट के अंदर का स्पेस है, आप चाहें तो लेज़ी सुजन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पुलिंग ड्रॉर्स यूज़ कर सकते हैं, या इस टाइप के स्टैकेबल्स जो बास्केट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैबिनेट के अंदर का स्पेस भी अच्छी तरीके से यूज़ होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ कैबिनेट के अंदर ऐसी ना रखें जो आपको यूज़ नहीं होती हो। और लेज़ी सुजन रखने से ये फ़ायदा होगा कि कोई भी चीज़ पीछे नहीं होगी, आप आराम से उसको घुमा के आगे की तरफ कर सकते हैं। और आप चाहे तो ब्रैकेट शेल्फ्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या इन्वर्टेड ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी जो जगह है वो अच्छी तरीके से यूज़ होगी। और कोशिश करें जो आपका टाइल का कलर है उससे मिलता जुलता कलर के आप शेल्फ्स यूज़ करें, नहीं तो ट्रांसपेरेंट हो या स्टील वगैरह के हो तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके पास बाथरूम में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, तो आप चाहें तो इस टाइप की सीक्रेट शेल्विंग यूज़ कर सकते हैं। ये आप किसी भी कारपेंटर से बनवा सकते हैं, आप चाहें तो इसके डोर साथ में लगा सकते हैं, जिसमें कि बाहर आप मिरर लगा सकते हैं, या जो टाइल का कलर है उस टाइप का लेमिनेट लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहे इसे ओपन भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी बाथरूम का सामान है एक ही जगह पे रहेगा, और अगर आप इसको कवर कर देंगे मिरर से या सेम कलर से जो कलर की टाइल है, तो उससे क्या होगा कि आपके बाथरूम में कुछ भी ऐसा क्लटर्ड सा नहीं लगेगा, क्योंकि सारा सामान कंसील्ड रहेगा। आप चाहें तो जैसे कि मिरर जहाँ पे आपको लगाना है, तो मिरर के स्पेस को आप यूज़ करना चाहते हैं स्टोरेज के लिए भी, तो इस टाइप के मिरर कैबिनेट्स आते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल है। और आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको लगा सकते हैं, मिरर का मिरर हो जाएगा और स्टोरेज का स्टोरेज। और ये खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिनके बाथरूम में कैबिनेट नहीं है। तो मेरे पास भी इस टाइप का एक कैबिनेट है, लेकिन मैंने उसे बाथरूम के बाहर रख रखा है, जहाँ पे मेरे पास एक वॉश बेसिन है, शायद कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो आप चाहे इसे बाथरूम के अंदर भी लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। और आप इसमें ब्रश वगैरह रख सकते हैं, और भी बहुत तरह की चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि ब्रश वगैरह ज़रूर रखें कैबिनेट के अंदर, या कहीं पे भी रखें ब्रश बाथरूम के अंदर अगर रखते हैं तो कवर करके रखें या कैबिनेट के अंदर रखें, क्योंकि अगर आप ओपन ऐसे छोड़ेंगे तो वो सही नहीं है। तो आप चाहे तो इस टाइप का ब्रश ऑर्गेनाइज़र या ब्रश स्टैंड वगैरह मिलते हैं वो ले सकते हैं, या ब्रश के कवर्स वगैरह आते हैं इस टाइप के, ये ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रश है उतना गंदा नहीं होगा, बाथरूम में ब्रश को ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। और वॉल स्पेस को अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए, जैसे शैम्पू और हैंड वॉश ये सब अगर आप वॉश बेसिन के ऊपर रखते हैं, तो कोशिश करें उनको वॉश बेसिन की रखने की जगह इस टाइप के वॉल माउंटेड डिस्पेंसर्स आते हैं, तो उनको आप लगा दें, उनको लेबल कर सकते हैं शैम्पू, सोप या जो भी आप उसमें रखना चाहें, बॉडी वॉश। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वॉश बेसिन के ऊपर वाला एरिया है वो खाली रहेगा और साफ़ लगेगा आपका बाथरूम। टॉयलेट सीट के ऊपर वाला जो स्पेस है ऑलमोस्ट खाली रहता है, तो इस टाइप का आप जो शेल्फ वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हैं, नहीं तो ये रेडीमेड भी मिलता है, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जो भी आपके टाइल से मिलता जुलता कलर है, या वाइट कलर ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सीट के ऊपर वाली जगह है वो आपकी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगी।
और जो टिश्यू डिस्पेंसर है तो आप चाहे तो इस टाइप का ले सकते हैं, जो अगर चाहे आप मोबाइल फ़ोन या कुछ छोटा मोटा सामान उस पर आप रख सकते हैं। वैसे मार्केट में कई तरीके के अवेलेबल हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें ले सकते हैं। और जो बकेट है, मग है, जो भी नीचे रखने वाला सामान है उसको ऐसे बिखरा हुआ ना रखें। अगर जैसे दो तीन बकेट रखी है आपने तो यूज़ होने के बाद उसको एक कॉर्नर में रख दें, और कोशिश करें जो टाइल का कलर है, फ्लोर की टाइल का कलर है या वॉल की टाइल का कलर है, तो उसी कलर का हो। तो उससे क्या होगा कि बाथरूम का स्पेस थोड़ा और बड़ा लगेगा, वो छोटा सा नहीं लगेगा। अगर आपको ये वीडियो सही में हेल्पफुल लगती है, यूजफुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।